हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डब्ल्यू बी येट्स के सेलिंग टू बाइजेंटियम की, जिसको 1928 में टावर में पब्लिश किया गया था। इसमें जो नाम है बाइजेंटियम, ये आज इस नाम की कोई सिटी नहीं है, लेकिन हाँ, जो टर्की का शहर है इस्तांबुल, ये उसका पुराना नाम है ना। तो आप बाइजेंटियम इस्तांबुल को ही बोलेंगे। तो कह रहे हैं कि देयर इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, कि अब बूढ़ों के लिए कोई रहने की जगह बाकी नहीं रही, कि दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं रही जो बूढ़े लोगों को भी जीने का सहारा दे, बूढ़े लोगों की भी रेस्पेक्ट करे। तो ऐसी दुनिया में कोई कंट्री नहीं है, कोई जगह नहीं है। बात करेंगे यूथ की। यूथ क्या कर रही है? द यंग इन वन अनादर्स आर्म, और जो यूथ है वो एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर प्लेजर ले रहे हैं। बर्ड्स इन द ट्रीज, और जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, वो पेड़ों में गा रहे हैं। दोज डाइंग जनरेशंस, लेकिन ये मरती हुई जनरेशन के बारे में किसी को कोई ख्याल नहीं है। दोज डाइंग जनरेशन, डाइंग जनरेशन यानी बूढ़े लोग है ना, जो मरने वाले लोग हैं, के कह रहे हैं कि इन बूढ़ों के बारे में किसी को कोई ख्याल नहीं है, बल्कि हर एक चीज़ क्या है, एट देयर सॉन्ग, हर एक चीज़ अपने मज़े में बिजी है, हर एक चीज़ प्लेजर ले रही है। चाहे आप बर्ड्स को ले लें, बर्ड्स खुशी के साथ में पेड़ों में गा रहे हैं, चाहे आप यूथ को ले लें, वो भी एक दूसरे के साथ में पूरी तरह से प्लेजर ले रहे हैं। लेकिन दोज डाइंग जनरेशन, लेकिन इन मरते हुए लोगों के लिए, इन बूढ़े लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए किसी को कोई सोच नहीं है, कोई इनके बारे में नहीं सोच रहा है। द सैल्मन फॉल्स, द मैकरेल क्राउडेड सी, सैल्मन और मैकरेल ये दोनों मछलियों की प्रजातियां हैं। तो कह रहे हैं कि सैल्मन और मैकरेल इन दोनों ने समुंदर को भरा हुआ है, क्राउडेड सी समुंदर को भरा हुआ है ना, कितना बड़ा समुंदर है, लेकिन इन मछलियों ने अपनी इतनी पैदावार बढ़ाई कि समुंदर इनसे भर गया है। फिश फ्लैश फाउल, ये कह रहे हैं कि चाहे फिश हो, फिश पूरी तरह से बढ़ चुकी हैं समुंदर के अंदर, चाहे फ्लैश फ्लैश यानी दुनिया के अंदर जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़े हुए हैं, फाउल और जो बर्ड्स हैं वो भी आसमान में, पेड़ों में पूरी तरह से हर जगह दिखाई दे जाएंगे, यानी हर तरफ जो है पैदावार बढ़ती जा रही है, हर तरफ पैदावार बढ़ती जा रही है। कमांड ऑल समर्स लॉन्ग, ये कह रहे हैं कि समर के दिनों में, कि पूरे समर सीजन में ये अपनी पैदावार को बढ़ाते हैं, है ना, कि पैदावार को बढ़ाते हैं। चूंकि दोस्तों यहाँ बात हो रही है आयरलैंड की, इंग्लैंड की, वो ठंडे देश हैं, तो वहां पर जो ये चीज होती होगी वो समर के टाइम में होती होगी। तो कह रहे हैं कि समर के दिनों में, है ना, गर्मी के मौसम में ये अपनी पैदावार को बढ़ा रही है, निरंतर बढ़ाते जा रही है, इतनी पैदावार बढ़ाई कि मछलियों ने समुंदर को भर दिया है, इंसानों ने दुनिया को भर दिया है, और बर्ड्स ने जो आसमानी दुनिया है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो खाली जगह हो, पहाड़ हो, इस तरह की चीज़ों को भरा हुआ है। लेकिन क्या हो रहा है? वाट एवर इज बिगोटन बोन एंड डाइस, के जो कुछ भी पैदा किया जा रहा है, वाट एवर इज बिगोटन, चाहे समुंदर क्यों ना भर रहा हो, दुनिया पूरी तरह से क्यों ना भरी हुई हो, तो कह रहे हैं कि वाट एवर इज बिगोटन, के जो कुछ भी पैदा हो रहा है, बोन एंड डाइस, बस पैदा हो रहा है और मर रहा है, जो कुछ भी पैदा हो रहा है, बस क्या काम है, कि चीज़ें पैदा की जा रही हैं और चीज़ें खत्म हो रही हैं, बस इतना काम है, लेकिन उनके अंदर मोरालिटी या अच्छाई जैसी कोई चीज़ नहीं है। कि जैसे मछली समुंदर के अंदर भरी हुई है, अब मछली तो चूंकि इंसानों से रिलेट नहीं करेंगे, लेकिन एग्जांपल देकर समझाए कि जैसे मछली पैदा होती हैं और मर जाती हैं, इसी तरह से इंसान भी बहुत ज़्यादा संख्या में पैदा हो रहे हैं और बिना किसी अच्छाई के वो भी एक जानवर की तरह, एक छोटी चीज़ की तरह बस ऐसे ही बेकार में मर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो कुछ पैदा हो रहा है, बस क्या काम रह गया है, बोन एंड डाइस, के इंसान का काम बच्चे पैदा करना और बस मर जाना, इतना काम रह गया है। कोट इन दैट सेंसुअल म्यूजिक और नेगलेक्ट, और ये कह रहे हैं कि वो उस सेंस, जो सेंसुअल म्यूजिक यानी जो संगीत हमारा वैसे वाला संगीत होता है, गाने वाला, ये कह रहे हैं कि उस सेंसुअल म्यूजिक में वो लगे हुए हैं। कोट इन दैट सेंसुअल म्यूजिक, कि वो उस सेंसुअल म्यूजिक में लगे हुए हैं, उस म्यूजिक में लगे हुए हैं जो इंसान के सेंस को पूरी तरह से प्रभावित कर देता है ना, उनके अंदर रोमांस जगाता है और उनके अंदर से अच्छाई को दूर कर देता है। लेकिन कह रहे हैं कि ऑल नेगलेक्ट, लेकिन वो सब का सब नेगलेक्ट कर देते हैं, मोन्यूमेंट्स ऑफ अन एजिंग इंटेलेक्ट। मोन्यूमेंट, मोन्यूमेंट कहते हैं जो लिपि होती है, यानी जो पुराने लोगों ने लिखा हुआ है, चाहे वो धार्मिक किताबें हों या इस तरह की जो दूसरी किताबें जिनसे इंसान को पढ़कर अच्छाई मिलती है।
किताबें हो सकती हैं या कुछ इमारत बिल्डिंग्स हो सकती हैं या कुछ कुदरती चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि मिस्र के अंदर कुदरती चीज़ आप देख सकते हैं, वहाँ की ममीज़ देख सकते हैं, वहाँ के फैरोन देख सकते हैं, है ना, समुंदर में आप बरमूडा देख सकते हैं, जहाँ जहाँ खुदा की कुदरत आप देख सकते हैं, तो वो लोग इन चीज़ों से दूर हैं। ओल नेगलेक्ट के वो नेगलेक्ट कर रहे हैं मोन्यूमेंट, उन मोन्यूमेंट्स को, ऑफ अन एजिंग, जो कि एक लंबे समय से अन एजिंग, जिनका यही नहीं पता, बहुत सारी तो चीज़ें ऐसी हैं कि उनके यही नहीं पता आज तक कि वो कब से चली आ रही हैं। अन एजिंग यानी जिन चीज़ों की शुरुआत का आज तक नहीं पता, एक लंबे समय से जो चीज़ें चली आ रही हैं। इंटेलेक्ट, और उन चीज़ों को पढ़कर इंसान को इंटेलेक्ट, उसको अकल मिल सकती है, उसको बहुत सारी नॉलेज हो सकती है, तो इंसान उन चीज़ों को तो नेगलेक्ट कर रहा है, जबकि जो बेकार के म्यूजिक है, जिनको जिनसे इंसान केवल बुराई बुराई की तरफ बढ़ता है, अच्छाई से दूर हो जाता है, उनमें पूरी तरह से इंजॉय ले रहे हैं और पूरी तरह से उनके लिए इन्फ्लुएंस और प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। सेकेंड स्टैंजा में कह रहे हैं कि एन एज्ड मैन इज बट अ पाल्ट्री थिंग। पाल्ट्री माने तुच्छ सी चीज होना, है ना, तुच्छ, और थिंग माने चीज। एन एज्ड मैन के बूढ़ा आदमी कैसा बनकर रह गया है, अ पाल्ट्री थिंग, एक बेकार सी चीज बन जाता है, कि बुढ़ापे में इंसान एक बेकार सी चीज बनकर रह जाता है। अ टैटर्ड कोट अपोन अ स्टिक, और बूढ़ा आदमी ऐसा हो जाता है कि जैसे कि एक फटा हुआ कोट होता है ना, यानी एक यूजलेस थिंग होता है। अ टैटर्ड कोट, एक फटा पुराना सा कोट, अपोन अ स्टिक, जिसको एक छड़ी पर टांगा हुआ है, कि बूढ़े आदमी की कीमत इतनी होती है जितनी कि एक फटे पुराने कोट की होती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होती। वो एक बेकार सी चीज बनकर, पाल्ट्री थिंग, बेकार सी चीज बनकर रह जाता है। अनलेस सोल क्लैप इट्स हैंड्स एंड सिंग, हालांकि इंसान की जो सोल है वो तो देखो कभी बूढ़ी या जवान, उसके लिए तो कुछ नहीं है। इंसान की सोल जो है वो कैसी रहती है, हमेशा बुढ़ापे में भी इंसान की सोल क्या होती है, वो खुश होती है। सोल क्लैप इट्स हैंड्स एंड सिंग, के बुढ़ापे में इंसान की जो सोल है वो खुश होती है, और उसको क्लैप माने ताली बजाना, यानी खुशी के लिए आता है वर्ड, कि इंसान की जो सोल है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। ये कह रहे हैं कि एंड लाउडर सिंग फॉर एवरी टैटर इन इट्स मोर्टल ड्रेस, एंड लाउडर सिंग, और बहुत ज्यादा तेज आवाज में वो गाती है, फॉर एवरी टैटर इन इट्स मोर्टल ड्रेस, यानी खुदा के पास जाने के लिए। कि अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बुढ़ापा दुनिया के लिए तो बेकार हो जाता है बुढ़ापे में इंसान, लेकिन ये माना जाता है कि इंसान जवानी जिएगा, बचपन जिएगा, लेकिन बुढ़ापे में वो फिर खुदा के पास पहुंच जाता है। अब जो लोग अच्छे होते हैं, जिन्हें वाकई जो स्वर्ग है, जो हेवन है, जो जन्नत है, उसकी तमन्ना है, तो अब उसके लिए तो अब उनको पता है कि अब हमें जाकर जन्नत में चले जाना है, तो उस समय को याद किया है कि बुढ़ापा वो स्थान है इंसान की, वो स्टेज है लाइफ की, जहाँ पर ये तमन्ना की जा सकती है कि अब हम जल्द ही मरने वाले होंगे। ठीक है, ये तो हर उम्मीद हर बुढ़ापे में हो जाती है कि जल्दी अब हम लोग भी मर जाएंगे। ठीक है, और फिर चूंकि मरकर जो लोग स्वर्ग की उम्मीद करते हैं, जन्नत में जाना चाहते हैं, तो वो जन्नत में जाने वाले हैं, तो इस चीज को याद कर कर अब कहीं ना कहीं उनकी जो सोल है वो खुश रहती है ना। जो लोग अच्छे होते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो वो जन्नत के लिए तो करते हैं। अब जन्नत और मरने के लिए कौन सी स्टेज मानी जाती है, वो बुढ़ापा माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर तो मान्य तो यही है, हालांकि मौत का तो टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी माना जाता है, हम लोग सपोज कर कर रखते हैं हर चीज को कि बुढ़ापे में इंसान मर जाता है। तो ये कह रहे हैं कि दुनिया के लिए हम एक बेकार सी, एक फटे पुराने कोट की तरह बनकर रह गए हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो सोल है वो कैसी है, क्लैप्स इट्स हैंड्स एंड सिंग, वो पूरी तरह से खुश है कि अब जल्दी हम खुदा से मिल जाएंगे, ईश्वर से मिल जाएंगे। एंड लाउडर सिंग, और बहुत तेज आवाज में खुशी के साथ में गा रही है। ठीक है दोस्तों, इन इट्स मोर्टल ड्रेस, यानी मोर्टल ड्रेस में जो इंसान की ड्रेस है वो तो खत्म हो जाएगी, सब चीजें खत्म, कोट है तो वो पुराना हो जाएगा, टैटर्ड हो जाएगा, लेकिन जो एक सोल वाली ड्रेस है, जो हमारे अंदर एक सोल है, वो कैसी है, मोर्टल है, वो कभी बूढ़ी नहीं होगी, है ना। तो देखेंगे, आप समझ आ गई लाइन। नेक्स्ट देखें, एंड नोर इज देयर सिंगिंग स्कूल, ये कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा स्कूल नहीं है, देयर इज नो सिंगिंग स्कूल, के इंसान दुनिया के अंदर कोई ऐसा स्कूल नहीं है, बट स्टडिंग मोन्यूमेंट्स, जो इंसानों को बताए मोन्यूमेंट्स के बारे में, पुरानी चीजों के बारे में, कि कौन था फेरोन, कौन थे लॉर्ड बुद्धा, कौन थे जो है कृष्ण, कौन इस तरह के लोग, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ताजमहल के बारे में क्या था, तो इस तरह के जो मोन्यूमेंट है, महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में, बाइबल के बारे में बताने वाले लोग बहुत कम बचे हैं।
एंड इट्स ओन मैग्निफिसेंस, मैग्निफिसेंस माने इम्पोर्टेंस, है ना, उसकी क्या महत्वता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है कि इसको बताने वाला कोई स्कूल नहीं है, नोर देयर इज सिंगिंग स्कूल, कोई ऐसा स्कूल नहीं बचा, ठीक है। बट स्टडिंग मोन्यूमेंट्स, जो कि मोन्यूमेंट्स के पढ़ाई के बारे में बता सके, नॉलेज को बता सके, एंड इट्स ओन मैग्निफिसेंस और उसके महत्व को बता सके, एंड दे आर फॉर, और इसीलिए मैं, अब जो कि कोई चीज़ नहीं है स्कूल में, क्या पढ़ाया जा रहा है, सब चीज़ यही, कहीं डांस बताया जा रहा है, कहीं नाचना, कहीं गाना, कहीं कुछ, कहीं कुछ, तो ये सब चल रहा है, तो फिर मैं इन चीज़ों को लेकर परेशान हूँ, एंड दे आर फॉर, और इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, एंड देयर फॉर, और इसीलिए आई हैव सेल्ड, मैं समुद्री सफर कर कर जा रहा हूँ, सीज माने समुद्री सफर करना, सेल्ड द सीज, मैं समुद्र के सहारे जा रहा हूँ, समुद्र के रास्ते जा रहा हूँ, एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम, कि मैं होली सिटी बाइजेंटियम के लिए जा रहा हूँ, है ना, कि मेरे लिए क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो मैं अब बाइजेंटियम के लिए रवाना हो रहा हूँ समुद्री रास्ते से। थर्ड स्टैंजा देखें कि ओ सेजेस, के ए संत लोगों, है ना, कि ए संत लोगो, ए प्रीस्ट्स, स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर, जो आपने देखा होगा कि इसमें एक आग जलाई जाती है, एक फायर होती है, और वहाँ पर कुछ प्रीस्ट पूजा करते हैं, है ना, ट्रोजन वॉर जो मूवी, उस तरह से उसमें हमने देखा था कि एक बड़ी आग जलती रहती है हमेशा वहाँ के मंदिरों में, चर्च, जो चर्च हैं, गिरजाघर हैं, उनमें आग जलती रहती है। तो कह रहे हैं कि ओ सेजिस, के ओ सेजिस, ओ संत लोगों, स्टैंडिंग, तुम जो खड़े हुए हैं इन गॉड्स होली फायर, खुदा के जो एक होली फायर है उसके आसपास जो लोग तुम खड़े हुए हो, एज, और ऐसा लग रहा है एज, जैसे कि इन द गोल्ड मोजिक ऑफ अ वॉल, मोजिक यानी मोजिस, है ना, ये एक प्रॉफिट है मोजिस, और गोल्ड उनकी सोने की बनी हुई तस्वीर, ऑफ द ऑफ अ वॉल, एक दीवार पर, और ऐसा लग रहा है जैसा, जैसे कि प्रॉफिट मोजिस की एक सोने की तस्वीर बनी हुई हो दीवार पर। तो क्या करो कि कम फ्रॉम द होली फायर, कि इस होली फायर से बाहर आ जाओ, है ना, कि इस होली फायर से बाहर आ जाओ, पायर इन अ जायर, पायर इन गायर, है ना, ये कह रहे हैं कि पर्न इन गायर, गायर बोलते हैं किसी गोल चीज को, है ना, कि इस गोल चीज से बाहर आ जाओ, पर्न इन अ गायर, कि इस गोल चीज से, यानी इस आग के जो है, आग से निकल कर बाहर आ जाओ, इन तस्वीरों से निकल कर बाहर आ जाओ, एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल, और मेरी आत्मा को बना दो, बी ऑफ माई सोल, मेरी आत्मा को बना दो, क्या बना दो, सिंगिंग मास्टर, एक तुम्हें याद करने वाली आत्मा, है ना, कि जो केवल तुम्हें याद करें, तुम्हारे लिए पढ़ें, तुम्हारे लिए लिखें, एक ऐसी आत्मा बना दो, एंड बी द सिंगिंग मास्टर, और मेरी आत्मा को एक गाने वाला मास्टर, एक लिखने वाला, तुम्हारे लिए लिखने वाला, तुम्हारे लिए गाने वाला बना दो, किसको, ऑफ माई सोल, मेरी आत्मा को, यानी मैं हमेशा तुम्हें याद करूं, तुम्हारे बारे में लिखूं, ठीक है। कह रहे हैं कि कंज्यूम माई हार्ट अवे, सिक विद डिजायर, कंज्यूम माई हार्ट अवे, कि मेरे दिल को दूर लेकर चले जाओ, है ना, मेरे दिल को दूर लेकर चले जाओ, हार्ट अवे, मेरे दिल को बहुत दूर लेकर चले जाओ, किससे, सिक विद डिजायर, जो कि डिजायरों से भरा हुआ है, मेरा दिल जो, जिसके अंदर बे इंतहा उम्मीदें और दुनिया की जो चीजें हैं उनसे मोहब्बत भरी हुई है, तो मेरे दिल से इन चीजों को, इन डिजायर को दूर कर दो, और मेरा दिल ऐसा बना दो जो हमेशा तुम्हें याद करे, इसके अंदर अगर डिजायर हो तो बस तुम्हारे लिए हो, है ना। तो ये कह रहे हैं कि कंज्यूम माई हार्ट अवे, सिक विद डिजायर, कि मेरे दिल से उन चीजों को दूर कर दो, क्योंकि मेरे दिल में बहुत सारे डिजायर भरी हुई हैं, तो उन चीजों से मेरे दिल को दूर कर दो, एंड फास्टन्ड, और मेरा दिल जो है भरा हुआ है, है ना, मेरा दिल जुड़ा हुआ है किससे, टू अ डाइंग एनिमल, एक मरती हुई चीज से, है ना, कि कह रहे हैं कि इंसान का एक शरीर है और इंसान की एक सोल है, तो सोल तो अमर है, सोल तो नहीं मरेगी, लेकिन जो इंसान का शरीर है वो मर जाएगा, तो डाइंग एनिमल आप यहाँ पर जिस्म से लेंगे, और फास्टन्ड जो एक दूसरी चीज माइंड में रखेंगे, सोल, ये कहेंगे कि एंड फास्टन्ड, और मेरी सोल जुड़ी हुई है, मेरी आत्मा जुड़ी हुई है टू अ डाइंग एनिमल, इस मरने वाली चीज यानी मेरे शरीर से, कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से जुड़ी हुई है, इट नोज नोट व्हाट इट इज, मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं है, है ना, कि मैं जानता हूं कि ये शरीर मेरा साथ देने वाला नहीं है, मेरे साथ ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, ये शरीर खत्म हो जाएगा, सब कुछ, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा बाकी रहेगी,
तो कह रहे हैं कि तुम क्या करो कि एंड गैदर मी इन टू द आर्टिफिस ऑफ इटर्निटी, कि तुम गैदर मी, मुझे बना दो, कैसा, इन टू आर्टिफिस, एक ऐसी रचना, मुझे एक ऐसी आर्ट बना दो, एक ऐसी रचना बना दो जो कैसी हो, इटर्निटी, जो हमेशा रहने वाली हो। अब चूंकि मेरा शरीर तो मर जाएगा 20 साल बाद, 50 साल बाद, लेकिन तुम मेरी आत्मा को या मेरी मेरे एक ऐसी आर्ट बना दो, आर्टिफिस बोलते हैं आर्ट को, रचना को, कि मेरी एक ऐसी रचना बना दो इटर्निटी, जो हमेशा रहने वाली, यानी मुझे हमेशा जिंदा रहने वाला बना दो। और हमेशा जिंदा रहने वाला क्या है कि मुझे अपने आप से जोड़ लो ताकि मेरी आत्मा तुमसे जुड़कर हमेशा जिंदा रहे, यहाँ भी और मरने के बाद स्वर्ग में भी। 3 स्टैंजे पूरे हो गए हैं, लास्ट स्टैंजा है इसका, देखते हैं, देखेंगे कि कह रहे हैं कि वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक माय बॉडली फॉर्म, कि अगर मैं एक बार अपने इस शरीर से बाहर निकल गया, वंस आउट ऑफ नेचर, यानी अगर मैं अपने शरीर से एक बार बाहर निकल गया तो आई शैल नेवर टेक माय बॉडली फॉर्म, तो फिर मैं अपनी इस बॉडली फॉर्म में कभी वापस नहीं लौटूंगा, है ना, कि अगर मैं अपने शरीर से एक बार बाहर निकला, अपने जो है इस शरीर को निकल जाता हूँ छोड़कर, तो मैं इस शरीर में वापस कभी नहीं लौटूंगा। कह रहे हैं कि माय बॉडली फॉर्म फ्रॉम द नेचुरल थिंग, यानी इस नेचुरल चीज की तरफ, जो मेरा शरीर है मैं इसकी तरफ फिर वापस कभी नहीं लौटूंगा। कह रहे हैं कि बट सच अ फॉर्म एज ग्रेशियन गोल्ड स्मिथ्स मेक ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड इन मेलिंग, ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि कोई ग्रेशियन गोल्ड स्मिथ, यानी यूनान का रहने वाला कोई गोल्ड स्मिथ, कोई लोहार, मुझे बना दे, मुझे फोम कर दे, मुझे बनावट दे दे, किसकी, ऑफ हैमर्ड, अपने हथौड़े से पीट कर, ऑफ गोल्ड यानी हैमर्ड गोल्ड, सोने के हथौड़े से पीट कर मुझे बना दे, एंड गोल्ड, और फिर मेरे ऊपर इन मेलिंग माने सोने की परत चढ़ा देना, कि मैं ये चाहता हूँ कि कोई यूनानी लोहार मुझे सोने के हथौड़े से पीटे और मुझे एक अच्छी सी फोम बनाए, सच अ फोम, एक अच्छी सी फोम बनाए, और उस फोम पर क्या करे, गोल्ड इन मेलिंग, एक सोने की परत चढ़ा दे। मेरी ये उम्मीद है, मेरी ये थोड़ी सी ख्वाहिश है कि एक यूनानी लोहार मुझे सोने के हथौड़े से पीट कर एक ऐसी फोम बना दे और उस फोम पर सोने की परत चढ़ा दे, और वो कैसी खूबसूरत चीज़ बनेगी जब वो मुझे बनाएगा। तो कह रहे हैं कि मैं ऐसा बन जाऊँगा टू कीप अवेक, यानी मैं जगा कर रख सकूंगा, टू कीप अवेक, मैं जगा कर रख सकूंगा अ ड्राउजी एम्परर, एक नशे में डूबे हुए एम्परर को, है ना, देखें कि टू कीप अ ड्राउजी एम्परर अवेक, कि मैं एक नशे की हालत में जो एम्परर यानी एक राजा होगा नशे की हालत में, मैं उसको भी जगा कर रख सकूंगा, एक ऐसी चीज मुझे वो यूनानी लोहार बनाकर तैयार करे, है ना। तो कह रहे हैं कि यूनानी लोहार मुझे सोने के हथौड़े से पीटकर एक ऐसी फोम दे और उस फोम पर सोने की परत को चढ़ा दे और वो इतना खूबसूरत मुझे बना दे कि मैं एक नशे की हालत में जो राजा होगा उसको भी जगा कर रख सकूंगा। ठीक है, एक चीज की उम्मीद और डब्ल्यू बीट्स करते हैं, कह रहे हैं कि और सेट अपॉन अ गोल्डन बॉग टू सिंग, गोल्डन बोग यानी किसी सोने की शाखा पर, है ना, गोल्डन ब्रांच आप कह सकते हैं, गोल्डन बोग के किसी सोने की शाख पर मुझे जो है मैं बैठा रहूं, यानी सेट अपॉन अ गोल्डन बोग टू सिंग, के वो मुझे एक ऐसी चिड़िया बना दे, है ना, एक ऐसी चिड़िया बना दे, एक ऐसा बर्ड बना दे जो सोने की शाख पर बैठ कर क्या करे, सिंग गाए, या फिर जो है मुझे एक ऐसी जो है चिड़िया बना दो जो सोने की ब्रांच पर, सोने की टहनी पर बैठकर गाएगी, किसके लिए गाएगी, टू लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ बाइजेंटियम, यानी बाइजेंटियम के लॉर्ड्स के लिए, बाइजेंटियम की लेडीज के लिए गा रही हो जो चिड़िया, मुझे वो चिड़िया बना दे, मुझे वो बर्ड बना दे, है ना, ऑफ व्हाट इज पास्ट, और मैं किसके लिए गाऊंगा, व्हाट इज पास्ट, जो बीत चुका है, जो गुजर गया है, और पासिंग, और जो कुछ गुजर रहा है ना, और टू कम, और जो आने वाला है, यानी मैं बाइजेंटियम में जो वहाँ के लॉर्ड और लेडीज हैं उनके लिए गाऊंगा एक सोने की शाख पर बैठकर, एक ऐसी चिड़िया मुझे बना दे, है ना, और मैं किसके बारे में गाऊंगा, जो चला गया, जो चल रहा है और जो समय आने वाला है उसके लिए मैं गाऊंगा। तो दोस्तों समझ आ गई होगी पोयम, सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।